चलिए फिर आज हम पहले थोड़ा सा क्वेश्चंस करते हैं। सर लास्ट क्लास में आपने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था सर, उसका ओके आंसर एक बार कंफर्म करना था। ओके यस सर। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, अ रेगुलर पिरामिड विद स्क्वायर बेस दैट्स 8 एजेस ऑफ लेंथ 6 इंचेस एंड हाइट 4 इंचेस, व्हाट्स द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ निकाल लिया मैंने। इंचेस इन वॉल्यूम टू द नंबर ऑफ स्क्वायर इंचेस इन इट्स सरफेस एरिया। सर 1/2 है इसका आंसर। यस सर। हाँ 1/2 इज द यस राइट आंसर। हो गए। वन अपॉन टू इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सर आप कुछ लिख रहे हैं क्या सर? स्क्रीन प्रेजेंटेड नहीं है क्या? स्क्रीन प्रेजेंट नहीं है क्या? नो सर। ओके 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 मैंने तो एक प्रॉब्लम भी लिख दी है, एक मिनट जस्ट होल्ड अ मिनट। अभी ठीक है? ये सर अब विजिबल है। तो ये प्रॉब्लम करिए आप। यस सर। सर डन। ओके सर डन। मैं करूं तो कर रहा है अभी। सर आंसर बताएं। एक मिनट कॉल कर रहा है, मैं करूं अभी। ओके बताओ, फर्स्ट पार्ट का आंसर बताओ। सर √59। सही। सेकंड पार्ट का आंसर? सर जो वॉल्यूम है सर वो 21√59। बिल्कुल सही। थर्ड पार्ट का आंसर? सर 42+20√59। बिल्कुल सही। तो अभी ये क्वेश्चन मुझे करना है बोर्ड अभी,
आंसर मैच कर गया सर, करवा दे एक बार। ओके करवाना है तो देखिए, एक प्रिज्म है, प्रिज्म के जो साइड्स हैं आप लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बी द साइड्स, ठीक है। तो आप मान लीजिए लेट ए इक्वल टू थ्री बी इक्वल टू सेवन और स्पेस डायगोनल की लेंथ आपको ये दी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 9 × 13। ओके तो कितना आ गया 9 + 49 + c² इक्वल टू 117। तो यहां से सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 117 - 58, तो ये आ गया 59। तो यहां से सी की वैल्यू कितनी आ गई 59। तो बी पार्ट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी, तो ये कितना हो गया 21√59। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। और सी पार्ट में सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो इसे आप इवेलुएट करेंगे तो ये आएगा 40 + 20√59। ओके किसी को डाउट? सर पहले पार्ट को मैं बता दूं दोबारा में, सर पहला पार्ट क्या बोल रहे हो? सर पहला पार्ट कैसे करना है वो बता दो। पहला पार्ट में वॉल्यूम स्पेस डायगोनल की लेंथ दी है ना, तो स्पेस डायगोनल का फॉर्मूला बताओ, क्यूबॉइड के स्पेस डायगोनल का फॉर्मूला पता है तुम्हें बच्चे? यस सर। देखो ये लगाया है मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू इस नंबर का स्क्वायर, ये तो होता है स्पेस डायगोनल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यस सर। अभी नहीं समझ में आया? आ गया सर। ठीक है भाई, आगे बढ़े आप। यस सर। यस सर। चलिए यस सर, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए करिए। सर डन। ओके सर डन। सर ऑल पार्ट्स डन। ओके और कोई कर रहा है? मैं कराऊं? कोई कर रहा है? मैं कराऊं? कोई नहीं कर रहा। सबने कर लिया? यस सर डन। यस सर। ठीक है तो ठीक है, आंसर बताइए। फर्स्ट पार्ट का आंसर बताइए सर। 12√2। 12√2 इज द राइट आंसर। सेकंड पार्ट का आंसर बताइए।
सर अंडर तुम्हारे अलावा ओके बताओ सेकंड पार्ट का आंसर कोई और सर मैंने इसको एकदम छोटा तो नहीं किया सर √313 √313 ठीक है बिल्कुल सही है और कोई बताया थर्ड पार्ट का आंसर और कोई बताया थर्ड पार्ट का आंसर सर कैन आई बोलो सर 100 + 20 √313 तुमने फर्स्ट टू पार्ट में से किसी एक पार्ट का आंसर बताया था यस सर सेकंड पार्ट का नहीं तुम मत बताओ कोई और बताए इसने फर्स्ट टू पार्ट का नहीं बताया और कोई बताए थर्ड पार्ट का आंसर भाई थर्ड पार्ट का आंसर कोई और बताएगा 39 बच्चे बैठे हैं कोई है जो क्वेश्चन कर भी रहा है ऐसे बैठे हैं बस लेकिन तुम्हें सही आंसर पता कैसे सर आपने अभी बोला ना उससे उसका सेकंड पार्ट करेक्ट है सर मेरा वही रॉन्ग है इसलिए मैं थर्ड पार्ट अभी रुक रहा हूँ ठीक है सेकंड पार्ट दोबारा करो जिन लोगों का सेकंड पार्ट इनकरेक्ट है वो सेकंड पार्ट दोबारा करें ओके सर यस सर ठीक है सर जल्दी पता चल गया सेकंड पार्ट हो गया ठीक ठीक है अब थर्ड पार्ट का आंसर बताओ सर थर्ड पार्ट का होगा फिर 100 + 20 √313 ओके तो 100 + 20 √313 अब मुझे कोई और बच्चा बताएगा फोर्थ पार्ट का आंसर जिसने फर्स्ट थ्री में से कोई पार्ट का आंसर नहीं बताया बताओ फोर्थ पार्ट का आंसर कोई बच्चा बताया मेरे को कोई नहीं है फोर्थ पार्ट का आंसर बताने के लिए कोई नहीं है क्या मुझे कोई फोर्थ पार्ट का आंसर बता सकता है इन चार बच्चों के अलावा तीन बच्चों के अलावा भाई तुम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर रहे हो ऐसे खाली टाइम पास कर रहे हो जैद तुम बताओ आंसर फोर्थ पार्ट का जैद तुम हो वहां पर जैद तुम क्लास में हो मुस्तफा तुम क्लास में हो यस सर बताओ फोर्थ पार्ट का आंसर बताओ सर मुझसे हुआ ही नहीं फर्स्ट थर्ड पार्ट में से कोई पार्ट नहीं हुआ तुमसे बताओ नो सर तो तुमने घर जाके रिवीजन नहीं किया था क्या जो हमने पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में देखिए तो ये क्वेश्चन मुझे कराना नहीं कराना है बोर्ड पर आप ही बताइए या फिर मैं आगे बढ़ूंगा यस सर करवा दो कौन पूछ रहा करवा दो पहले ये बताओ अपना नाम बताओ पहले तो सर अनंत अनंत अनम एक मिनट अर्नव यू आर अर्नव नो सर अनम अनम अच्छा अनम ओके ओके अनम ओके अब ये बताओ मेरे को तुमने फर्स्ट चार पार्ट में से कौन कौन से पार्ट अपने आप कर लिए सर मुझे पता ही नहीं कैसे होएंगे अच्छा तो तुम पिरामिड वाले लेक्चर में क्लास में थे नहीं थे पहले ये बताओ तुमने पिरामिड का लेक्चर अटेंड किया था हमारा सर लास्ट वाले में नहीं थी मैं
अच्छा तो फिर तुमने रिकॉर्डिंग क्यों नहीं देखी? जब तुम लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए तो फिर तुमने रिकॉर्डिंग क्यों नहीं देखी, बताओ ना, बोलो। सॉरी सर, अब देख लूंगी, पर अभी तो करवा दो ये वाला। ओके, तो तुम्हें क्वेश्चन देख के ऐसा समझ में नहीं आएगा, तुमने कंसेप्ट नहीं पता है तो इस तरह तुम्हें समझ में नहीं आने वाला कि क्वेश्चन का सलूशन तुम समझ लोगे बिना कंसेप्ट को जाने। जैद तुम क्लास में हो? जैद यस सर। तो तुम्हारी आवाज तो आ नहीं रही है अभी। मैं 1 मिनट पहले तुमसे पूछ रहा था क्वेश्चन, तुम कहाँ थे 1 मिनट पहले? हाँ सर ये माइक में दिक्कत आ रही है सर, कभी चल रहा है कभी नहीं, जी लोड लिख आ रहा है इस पे कुछ ऐसे अच्छा टाइप अच्छा ये में लोड। बताओ तुमसे कितने पार्ट हो गए? सर कितने फर्स्ट पार्ट? सेकंड सर वो फर्स्ट निकाल, सेकंड? वो फर्स्ट सेकंड हो गया। वॉल्यूम निकाला है। वॉल्यूम को सुनाओ फॉर्मूला, पिरामिड के वॉल्यूम का फॉर्मूला सुनाओ फटाफट। सर 1/3 × एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो तुमसे इतनी देर में केवल वॉल्यूम निकला? देखो अब हमको वॉल्यूम निकालना होगा, तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है 1/3 स्क्वायर ऑफ द बेस यस सर। एरिया ऑफ द स्क्वायर सॉरी एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। ठीक है ना, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करने जा रहे हैं। देखो तुम लोग पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ कर नहीं रहे हो, बस 4-5 लोग ही पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी तो टाइम पास ही कर रहे हैं, तो इस तरह बात बनने वाली है नहीं। तो हम पहले देखिए, हमको हाइट निकालनी है। ओके, और हमको क्या क्या गिवन है? एक मिनट, हमें सर बेस ये सब बेस की बेस साइड ले। का स्क्वायर ऐसा, उसकी एक साइड 10 है तो बेस का तो सर 100 हो जाएगा। एक मिनट, हाइट हमारी 12 अंडर रूट 2 आ 400 √3 रही आ थी, रहा ये सब 4 अंडर रूट 2 × 100। 400 √2 आंसर है वॉल्यूम का। यस सर। डब्ल्यू 100 √2 वॉल्यूम है। एक्स वाई जेड और ये फोर है डबल वी। √2 ठीक है, अब तुमसे हाइट पूछी गई है। ठीक है, अब पहले तुमको क्या वाई जेड दिया है, वाई जेड, तो वाई जेड ये वाला लेंथ हो गई और ये आपको 10 दिए, तो ये स्क्वायर है सभी 10 हो जाएंगी फिर। यस सर। सारे टाइम यस सर। और सारी साइड वी प्लीज। वी 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 वाई वी सॉरी वाई वी, ये वी है और ये वाई है, तो वाई वी की जो वैल्यू है 13 √2 है, तो ये भी 13 √2 हो जाएगी। यस सर। सारे हो यस जाएंगे सर। ठीक रेगुलर। है, और अब देखो मैं यहाँ पे सेंटर बनाता हूँ और सेंटर को कनेक्ट कर देता हूँ, तो अगर मैं सेंटर को एपेक्स पॉइंट से कनेक्ट करूँगा ये ऐसे करके, तो ये मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया और ये मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, और इसको मैं ऐसे यहाँ पे मिड पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगा ये। तो देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, तुम्हें जो है ये वाली लेंथ पता है 13 √2। ओके, और तुम अगर मैं इस वाले पॉइंट को नाम देता हूँ ओ, तो क्या मुझे कोई ओ वाई की वैल्यू बता सकता है? ओ वाई की वैल्यू क्या होगी? सर टू रूट यस फाइव सर। रूट 5 √2 सर। 5 √2 हाँ बिल्कुल सही। तो जो ओ वाई होगा बेसिकली वो डायगनल का हाफ होगा, जो यस सर। ओ वाई होगा वो होगा 10 √2 का हाफ, यानी कि 5 √2। अच्छा ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कितना होगा वो बताएगा मेरे को? 90 डिग्री 90 डिग्री सर। नाइन्टी होगा। डिग्री तो इन ट्राइंगल ओ वाई वी मैं पाइथागोरियन थ्योरम लगाता हूं, हाइट को मैंने एच वाली वैल्यू बोल दिया, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? 13 √2 स्क्वायर माइनस 5 √2 5 √2 स्क्वायर। समझ में आ गया? तो ये यस कितना सर। हो गया? 169 यस माइनस ट्वेंटी माइनस फाइव ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना हो गया? 144 × 288 हो गया। ठीक है, यस सर। तो यहां से एच की वैल्यू कितनी आ गई? ₹12 एच की ट्वेल्व वैल्यू रूट आ गई 288 का स्क्वायर रूट, यानी कि 12 √2। यस सर। ठीक यस है, सर। यस ये आ गई। सर। अब
मुझे ये बताओ स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, एक मिनट जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। ओके पहले तो जितने लोगों से अभी बी पार्ट नहीं हुआ है पहले अपने आप ट्राई करें, सभी लोग एक मिनट दे रहा हूँ, सभी लोगों को ट्राई करें दोबारा से स्लैंट हाइट निकालने के लिए जिन लोगों से नहीं हुआ है, फिर मैं पूछना चालू करूंगा। डन बताएं, मैं बताऊं जैद बताओ वाई एंगल कितना होगा। एम कॉमन ऐप ये वाला एंगल बताओ, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये रहा एम, ये एंगल बोलो 45। कैसे निकाला तुमने 45? बताओ 45 कैसे निकाला तुमने, कोई और बताएगा ये एंगल कितना होगा। ये सर सर कैन आई मैं बताऊं? हाँ बोलो। 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा ये, क्योंकि ये हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं एक्स वी वाई, ये एक्स वी वाई एक आइसोसेलस ट्राइंगल है, तो मिड पॉइंट को कनेक्ट करूंगा तो परपेंडिकुलर आएगा। ओके इसकी हमने बात पिरामिड में बहुत बार करी थी। ओके तो यही स्लैंट हाइट है, वी एम जो है वही स्लैंट हाइट है। ओके इसको मैं एल नाम दे देता हूँ। ओके तो अब कोई मुझे बताएगा वाई एम कितना होगा। वाई एम सर कैन यस सर तो 5 सर हाफ ऑफ वाई एक्स। हां 5 तो एल की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 13√2 का स्क्वायर माइनस 5√2 का वो 5 का स्क्वायर। तो एल की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपके पास 13√2 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तुमने 45 डिग्री एंगल कैसे निकाला था भाई? सर मैंने स्लैंट हाइट वाली नहीं ली थी। अच्छा तो फिर कौन सा एंगल तुम्हारा 45 आ गया जरा ये बताना इस फिगर में। ये मैंने वैसे कह दिया था सर, मुझे लगा वो पूरा 90 था, इस वजह से सर कह दिया था, वो देखा नहीं था अभी सही से। अच्छा अच्छा ओके ओके इस तरह से ज्यादा काम बात चलेगी नहीं हमारी तुम्हारी, ठीक है ना, बिना देखे चलिए देखिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू का आपकी इवेलुएट होने के बाद कितना है 338 और एल की वैल्यू आ गई 313 का स्क्वायर। यस सर अंडर रूट 313। ठीक है ना। अब मैं फिर तुम लोगों को एक मिनट दे रहा हूँ, जिन लोगों से नहीं हुआ सी पार्ट करें फटाफट। और इस बार मैं और किसी से पूछूंगा, ठीक है, सभी लोग करें।
डन। ओके तो हम आई एम देखते हैं। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चार आइसोसेलस ट्राइंगल का एरिया ऐड करना मेरा हो पड़ेगा गया। यस सर, और स्क्वायर का एरिया ऐड करना पड़ेगा। सर ओके यस सर ओके तुमसे हो गया बेटा? यस सर। पहले स्क्वायर का 100 निकाला, फिर उसका एक ट्राइंगल का आया था 5√313, तो फिर उससे 4 से मल्टीप्लाई करके। ओके ठीक है, तो हम सबसे पहले एक ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं एक्स वी वाई का। ओके तो एरिया ऑफ एक्स वी वाई कैसे निकलेगा, 1/2 टेन इंटू इंटू टेन इंटू √313। √313, तो ये आ गया 5√313। तो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो आएगा वो स्क्वायर का एरिया 100 प्लस यस सर, प्लस फोर फाइव टाइम्स इंटू ऑफ फोर एरिया ऑफ एक्स वी वाई, तो ये हो गया 100 प्लस 20 √313। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? यस डी सर पार्ट करते हैं अभी। यस ओके तो डी पार्ट में क्या है, वॉल्यूम निकालना है ना, तो वॉल्यूम तो अब बहुत आराम से निकल जाएगा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए वन सर ओवर थ्री एरिया ऑफ द यस सर स्क्वायर 100 इनटू हाइट, और हाइट की वैल्यू यस हमने फर्स्ट पार्ट में निकाली थी सर ट्वेल्व रूट टू निकाल दीजिए यस सर ट्वेल्व रूट टू सर 400√3। यस सर, पहले तो वो 400√ वो जाए सही है सर 12, और उसे सर काट देंगे तो सर 4√2, तो 400√2 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी को इस क्वेश्चन में? अब नो सर ठीक नो है ठीक है, तो अभी मैं नोटिस कर रहा हूँ बहुत सारे लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह से अपना काम नहीं चलने वाला है। ओके तो पढ़ाई किया करो वरना फिर कोई सर। बेनिफिट नहीं है। हाँ बोलो। सर मुझे थर्ड वाला नहीं आया समझ में। थर्ड वाले में क्या समझ में नहीं आया, पहले ये बताओ तुम्हें टोटल सरफेस एरिया का पहले फॉर्मूला सुनाओ। पिरामिड के टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं पहले ये बताओ। बताओ हेलो हेलो यस सर यस सर नहीं, ये बच्चा जो डॉट पूछ रहा था ये कौन था, पहला नाम तो बताओ अपना। मुस्तफा हाँ मुस्तफा सर तुम पूछ रहे थे ना। मेरे लिए हाँ मुस्तफा तुम बताओ पिरामिड का सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, तुम्हें पिरामिड का लेक्चर में थे तुम प्रेजेंट थे। हेलो सर मैं मना तो कर रही हूँ, मैं नहीं थी उसमें। तो फिर बेटा तुम्हें देखना पड़ेगा ना लेक्चर पहले वीडियो, मैंने तो तुमको यही बोला था ना, पहले आप रिकॉर्डिंग देख लो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सर ये तो आपने फर्स्ट वाले में बता दिया। तुम शांत रहो मुझे बोलने दो। ठीक है बच्चे, पहले तुम कंसेप्ट को समझो पिरामिड का, बिना पिरामिड का एक कंसेप्ट है बच्चे, ऐसे बिना कंसेप्ट को समझे तुम्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा डायरेक्टली। तो उसको रिकॉर्डिंग देखो जो लेक्चर तुमसे मिस हुआ है, तब तो तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब थोड़ा फास्ट करना है। ओके अब मैं इतना टाइम नहीं दूंगा कि तुमसे हर बार पूछूं एक एक बच्चे से, जल्दी जल्दी करते हैं चलो बस आंसर एक बार रिकॉर्डिंग। लास्ट वाली स्क्रीन दिखा दो अच्छा एक मिनट जस्ट सर, बस होल्ड एक ऑन। बार लास्ट वाली स्क्रीन दिखा दो। लो बेटा देख लो, डन। चलिए सेकंड अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि शोन इज अ क्यूब A, B, C, D, E, F, G, H, with side length 8. ठीक है, इसको मैं डायग्राम आपको बनाकर दिखाता हूँ. ये क्यूब है ए बी सी डी ई एफ जी एच. फाइंड area of triangle ACF. Find area of triangle ACG. ट्राई करिए. ACF और ACG को बता दो कहाँ कहाँ. तो तुम्हारे सामने फिगर बनी तो है ना, उसमें ACF कनेक्ट करो. सोचिए ACF का एरिया कैसे निकालेंगे. क्या ACF का नेचर का कोई कमेंट कर सकता है? ट्राइंगल ACF का नेचर बता सकता है कोई? यस सर, इक्विलेटरल ट्राइंगल. बिल्कुल सही जवाब है. ट्राइंगल ACF एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, उसके साइड लेंथ निकालिए फटाफट और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए. Thank you.
सेकेंड पार्ट का ट्राइंगल में आपको डायग्राम बनाकर दिखाता हूं, सभी लोग ट्राई करें। फर्स्ट वाले का आंसर एक बार में बताऊं कि सही है गलत? बेटा एक मिनट, आइए पूछता हूँ, सेकेंड वाले का बना दूं इसका ट्राइंगल ए सी जी। तो ए सी पहले से बना हुआ है, ए सी जी बना देता हूँ। तो ये तो जी है, ये कुछ इस तरीके से आएगा और ये बन गया ए सी जी। ठीक है, ए सी जी। हाँ, फर्स्ट वाले का आंसर बताओ जैद। 96 तुम्हारा आंसर आ रहा है, 96। नहीं नहीं, 96 तो सही आंसर नहीं है। कोई और आएगा? यस सर। सर 8√3। एट रूट थ्री भी सही आंसर नहीं है। कोई और बताएगा? 32√3 इज द राइट आंसर। 32√3। गुड। तो देखिए ACF क्या है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, पहले तो ये नोटिस करने की बात है। तो ट्राइंगल ACF इज इक्विलेटरल, इक्विलेटरल विद साइड लेंथ। इसकी जो साइड लेंथ होगी वो कितनी होगी? विद साइड लेंथ कितनी होगी बताए, को बताएगा? बोला करो। ठीक है, तो अब जब तुम्हें इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड लेंथ पता है तो एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी कि 8√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर आप इवेलुएट करेंगे तो ये आएगा 32√3। यस सर। यस सर। अब मुझे बी पार्ट में ट्राइंगल एसीजी का एरिया निकालना है। क्या आप मुझे एसीजी के नेचर पर कमेंट कर सकते हैं? ये ट्राइंगल एसीजी है, इसका नेचर कैसा है? कौन कौन सी साइड लेंथ इक्वल है बताइए, अगर ये आइसोसेलेस है तो? देखो एसी एक फेस डायगोनल है, एसी एक फेस डायगोनल है, सीजी एक साइड लेंथ है, दोनों इक्वल कैसे हो गए? Yes, sir, नहीं है। अच्छा ये बताइए, व्हाट इज एंगल ए सी जी? एंगल ए सी जी पर कमेंट करिए, एंगल ए सी जी कितना होगा बताइए? 90 डिग्री। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एंगल ए सी जी होगा वो 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, सबको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्यों होगा? क्योंकि जो एसी है वो बिल्कुल टॉप फेस का डायगोनल है, और जो सीजी है वो क्या है, उस टॉप फेस के परपेंडिकुलर लाइन है। अपने रूम को करो कंसिडर, अपना एक रूम ले लो, रूम की जो आपकी जो छत है उस पर एक डायगोनल बना दो, और उस डायगोनल जहां पे एंड हो रहा है, उस डायगोनल जहां पे एंड हो रहा है उस कॉर्नर से, यस सर, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। हाँ, तो उस कॉर्नर से एक लाइन बॉटम को टच करने वाली, उसको देखो कितना एंगल बन रहा है उसके बीच में। समझ में आ रहा है? परसीव कर yes, रहा एंगल 90 डिग्री क्यों है? Yes. तो 90 डिग्री ट्राइंगल होने की वजह से ये ट्राइंगल का नेचर क्या हुआ? राइट एंगल ट्राइंगल।
तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो राइट ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बताइए, राइट ट्राइंगल का एरिया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट इनटू हाइट प्रोडक्ट ऑफ लेग्स 1/2 प्रोडक्ट ऑफ लेग्स। हां, तो इसके लेग्स की वैल्यू पता है तुम लोगों को, इसके लेग्स कौन-कौन से हैं सर? 8 और 8 AB लेग्स आर लेग्स ऑफ ट्राइंगल ACG AC and AG ACG आर AC एंड CG ठीक है। और बताइए AC की वैल्यू कितनी है? 8√2 और CG की वैल्यू है 8, तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ACG सर 32√2। बिल्कुल सही जवाब, 32√2 सर। कोई दिक्कत किसी को समझने में? नो सर, नो सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर पाने में कामयाब हुए। हमने सबसे पहले ट्राइंगल का नेचर पहचाना, ट्राइंगल का नेचर क्या है, और फिर हमने उसके बेसिस पर एरिया फाइंड आउट कर लिया। इसमें किसी को डाउट है बताइए मेरे से। नो डाउट, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, चलिए देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज, थोड़ा सा हम डाइग्रेशन ले रहे हैं, एक छोटा सा डाइग्रेशन है हमारा यहाँ पर। हम एक चीज आपको, मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको आज ये पढ़ाने वाला हूँ, इंटरसेप्ट थ्योरम। ये थ्योरम मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट आपको प्रूफ करवाना है, और उसमें इंटरसेप्ट थ्योरम की रिक्वायरमेंट मुझे पड़ेगी। और ये थ्योरम है भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे हम। ये सॉलिड ज्योमेट्री के अंदर नहीं है, ये प्लेन ज्योमेट्री के अंदर थ्योरम है। ओके, सॉलिड ज्योमेट्री समझते हो, प्लेन ज्योमेट्री का डिफरेंस समझते हो? 2D में। हाँ, ये 2D में है। 2D एंड 3D। हाँ हाँ, सॉलिड ज्योमेट्री मतलब 3D। ओके, जहां पर हम थ्री डायमेंशनल फिगर्स की बात करते हैं, प्रिज्म की बात करते हैं, पिरामिड्स की बात करते हैं, आगे जाकर हम सिलेंडर्स की बात करेंगे, कोन की बात करेंगे, वो है सब सॉलिड ज्योमेट्री। ये प्लेन ज्योमेट्री का मतलब है जहां पर हम ट्राइंगल्स की बात करते हैं, सर्कल्स की बात करते हैं, पॉलीगन्स की बात करते हैं, जो टू डायमेंशनल फिगर है वो होती है प्लेन ज्योमेट्री, 2D ज्योमेट्री जिसे बोलते हो आप लोग। तो एक इंटरसेप्ट थ्योरम नाम से एक थ्योरम है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हम आज इसको कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहले इसका स्टेटमेंट, मुझे एक मिनट दीजिए। इसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। देखिए, तो ये जो थ्योरम है ये बेसिकली ये कहती है, पहले मैं इसको वर्बली आपको समझा देता हूँ, इसका एक डायग्राम बनाकर। या सपोज करिए कि आपके पास तीन या तीन से ज्यादा सेट ऑफ पैरेलल लाइंस हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक सेट ऑफ पैरेलल लाइंस बना रहा हूं मैं, ये ऐसे करके। तो यहाँ पे मैं पैरेलल लाइंस बना रहा हूँ, ये मैंने तीन पैरेलल लाइंस बनाई हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी पैरेलल लाइंस हैं, और इन पैरेलल लाइंस को सपोज करिए कि ये एक लाइन है जो ऐसे करके कट करती हुई जा रही है, ये एक सेकेंड लाइन है, ये ऐसे करके कट करती हुई जा रही है, और ये जो पॉइंट है
ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट डी है, और ये वाला पॉइंट ई है, ये वाला पॉइंट एफ है। तो थ्योरम ये कहती है कि अगर सेट ऑफ पैरेलल लाइंस को कोई एक लाइन कट करेगी तो जो लाइन के जो इंटरसेप्ट्स बनेंगे, देखो ये इंटरसेप्ट है ना, ये वाला एक, ये एक इंटरसेप्ट है, मतलब पैरेलल लाइंस के बीच में जो इंटरसेप्ट्स बनेंगे उनका जो रेशियो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब ये है कहने का कि ए बी और बी सी में जो रेशियो है वो वही रेशियो होगा जो डी ई और ई एफ में रेशियो होगा। ओके, आर यू एग्री? ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है? डी यू एग्री? मैं अभी स्टेटमेंट लिखवाऊंगा फॉर्मली, लेकिन मैं केवल मीनिंग समझा रहा हूँ, अभी प्रूफ भी कराऊंगा। ओके, जितना मैंने अभी बताया उतना समझ में आ रहा है ना? मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं कि कोई भी एक लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे, तीन पैरेलल लाइन अगर उसे इंटरसेक्ट कर रही है, तीन पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती हुई कोई लाइन ड्रॉ करोगे, तो जो रेशियो रहेगा ना लाइंस का, पैरेलल लाइंस के बीच में जो इंटरसेप्ट्स का रेशियो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो अगर मैं कोई थर्ड लाइन भी ड्रॉ कर दूंगा तो उसके अंदर भी सेम कांस्टेंट रेशियो मेंटेन होगा इंटरसेप्ट्स का। ओके, गॉट इट सर? अगर हम ऐसे एक थर्ड लाइन सर ऐसे कर दीजिए, थर्ड लाइन भी कर दीजिए सर, फिर ए बी सी। एक मिनट जस्ट होल्ड, मुझे पहले करने दो, ठीक है ना? मैं कर देता हूँ। चलो मैंने ऐसे करके एक थर्ड लाइन भी ड्रॉ कर दी तुम्हारे लिए, मैं एक सेकंड फिगर बनाता हूँ, ठीक है? सेकंड फिगर में एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ये लो, ये तीन लाइन मैंने बनाई पैरेलल, और ये रही, ओ सॉरी, एक मिनट, एक लाइन, ठीक है, सेकेंड लाइन, ठीक है, थर्ड लाइन, अब बताओ मैं नाम दूं क्या? यस सर। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, लेंथ को नाम दे देता हूँ, तो मैं लेंथ को नाम दे देता हूँ, एक मिनट, जस्ट होल्ड अ मिनट। मैंने इस लेंथ को नाम दिया एक्स वन, इस लेंथ को नाम दिया एक्स टू, ठीक है, और इस लेंथ को नाम दिया वाई वन, इस लेंथ को नाम दिया वाई टू, और इस लेंथ को नाम दिया जेड वन, इसको नाम दिया जेड टू। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक्स वन और एक्स टू में जो रेशियो होगा वही वाई वन वाई टू में रेशियो होगा, वही जेड वन जेड टू में रेशियो होगा। बताओ, कोई डाउट किसी को? No, sir. ये पैरेलल लाइन पे दो टेढ़ी लाइन बनाई है, एक सीधी बना दो उसका भी। हाँ, लाइन कैसी भी हो उसका yeah. मतलब नहीं है, मतलब ऐसे लाइन है, तीन पैरेलल लाइंस या किसी भी पैरेलल लाइंस या सर, ये तीन पे ही लागू होता है या दो, किन पे? ये तीन या तीन से ज्यादा कोई भी पैरेलल लाइन आप ड्रॉ करोगे, क्योंकि अगर दो लाइन पैरेलल होंगे तो दो, देखो तुम्हें तो दो लाइन सेगमेंट चाहिए ना, एक्स1 एक्स2, वो समझ आ गया। गॉट इट? यस सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मतलब ऐसे आप कितने भी तीन या तीन से ज्यादा पैरेलल लाइंस के बीच में इंटरसेक्टिंग करने वाली लाइन कितने भी बना दो, उनके बीच की जो लेंथ का रेशियो होगा वो हमेशा इक्वल ही रहेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही इंटरसेप्ट थ्योरम बोलती है। और कोई डाउट किसी को हो तो सर, थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। क्या क्या? थेल्स थ्योरम भी कहते हैं इसे? नहीं, थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम का, थेल्स थ्योरम इसका स्पेशल केस है, ये थेल्स थ्योरम नहीं, ये जनरल केस है। ओके, और कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब मैं इसका स्टेटमेंट लिखूंगा और फिर हम प्रूफ भी करेंगे इसको आज के लेक्चर में, और हम कल के लेक्चर में इस पर और आगे बात करेंगे, क्योंकि हमारा टाइम खत्म होने वाला है। सर, हम इसमें कितनी भी लाइन बना सकते हैं अपनी मर्जी से? हाँ, हम कितनी भी लाइन बना सकते हैं, जो रेशियो रहेगा वो सेम रहेगा, क्योंकि जब भी आप रेशियो निकालेंगे तो किन्हीं तीन पैरेलल लाइन को पिक करेंगे ना, आप चाहे चार पांच छह आठ दस कितनी भी पैरेलल लाइन बनाइए, लेकिन जब आप लेंथ का रेशियो निकालेंगे तो तीन पैरेलल लाइन पिक करेंगे ना एक बार में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। जस्ट सपोज करो मैंने एक और, हां
सर एक बार में तीन ही कर सकते हैं, तुम खुद देखो ना। अगर मैंने मानो ये लो, मैंने और बना दी पहले, एक मिनट जस्ट होल्ड अ मिनट, मैं तुम्हारे सामने और पैरेलल लाइन बना देता हूँ। तो कहाँ गया पैरेलल लाइन? ये देखो, ओहो ये ब्लू आ गया। ये देखो ये मैंने इतनी सारी लाइन पैरेलल बना दी, लेकिन जब भी तुम लेंथ निकालोगे इंटरसेप्ट की, तो कोई सी तो तीन पैरेलल लाइन लोगे ना, तभी तो इंटरसेप्ट निकालोगे। ओके सर, आ गया। नियारी बात समझ में आ गया सर। हाँ, तो इसलिए जो जो थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा है वो तीन पैरेलल लाइन बना के लिखा है हमने। सर मैं इन तीन लाइन की बात नहीं कर रही। हाँ, जो जो लाइन क्रॉस कर रही है उनकी बात कर रही हो? यस सर, जो ये येलो रेड और ग्रीन है इनकी। हाँ तो वो तो कितनी बना दो उनका तो रेशियो कांस्टेंट ही रहेगा ना, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ। ओके सर। सर जो ये पॉइंट्स है ये ज्यादा पैरेलल लाइंस है सर, अब ये सब पांच हो गए सर, इनकी लेंथ का सर रेशियो कैसे कैसे होगा? तुम एक काम करता हूँ, मैं लेंथ को लाइन को नाम दे देता हूँ, ठीक है? लाइन को मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है? इस लाइन को नाम दिया M1, इस लाइन को नाम दिया M2, इसको दिया M3, इसको दिया M4, इसको दिया M5। पहले तुम अपनी मर्जी से तीन लाइन पिक करो, पिक करो। सर M2, M4, M5। ठीक है, तो तुमने M2 पिक किया, तुमने M4 पिक किया, तुमने M5 पिक किया। अब पिक्चर में से बाकी लाइन को भूल जाओ। भूल गए? यस सर। अब निकाल लोगे रेशियो, कौन कौन से रेशियो आएंगे? यस सर, मतलब हमेशा ये सर तीन पे ही काम करेगा। हाँ तो क्योंकि हमें तो दो लाइन सेगमेंट चाहिए, तो तीन तीन पे काम करेगा ना बच्चे। yes, एक बार में जब भी थ्योरम को लगाओगे तो तीन लाइन ही कंसीडर करोगे ना एक बार में, तो एक टाइम पर। यस सर, वरना तो सर ज्यादा हो जाएंगी, तो फिर ये ऐसे आप ऑन में आ ही नहीं पाएगा, हमें टू लेंथ चाहिए होंगी। हाँ, सिर्फ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। गॉट इट? यस सर, वही पूछ रहा था सर, इतनी सारी लाइनें हो गई तो रेशो कैसे बनेगा? एंगल भी इक्वल होगा? नहीं नहीं, एंगल की बात नहीं, एंगल पे कोई कमेंट नहीं कर रहे अभी हम। एंगल तो अनइक्वल हो सकता है ना, लाइन थोड़ी ना एंगल ड्रॉ करी है रेड ब्लू वाली, टिल्टेड हो तो ऐसा हो जाएगा सर। भाई तुम रेड को और येलो को लाइन को देखो, रेड और येलो थोड़ी ना पैरेलल है, वो पैरेललोग्राम नहीं बना रहे ना। यस सर, मतलब सर लेंथ इक्वल वो हो सकती है उनका रेशियो होगा, लेंथ का रेशियो इक्वल होगा। ओके चलिए चलिए, एक मिनट मुझे पहला थ्योरम का स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ, थ्योरम का स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं सभी लोगों के लिए, इसे ध्यान से देखिएगा। तो थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो ये है, लेट एल वन कॉमा एल टू, लेट एल वन कॉमा एल टू कॉमा एल थ्री बी आ ग्रुप ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। तो इस लाइन को मैंने L1 बोल दिया, ओके, इस लाइन को मैंने L2 बोल दिया, और इस लाइन को मैंने L3 बोल दिया, ओके। विच इंटरसेक्ट टू स्ट्रेट लाइंस, विच, एक मिनट जस्ट होल्ड अ मिनट, विच इंटरसेक्ट टू स्ट्रेट लाइन्स ए स्ट्रेट लाइन्स एट ए बी सी एंड D E F respectively, we have AB over BC is equal to DE over EF. बॉक्स में आप जल्दी से ये स्टेटमेंट नोट करिए फटाफट, डू इट फास्ट। नोटेड। बहुत बढ़िया सर, नोटेड। बहुत बढ़िया। बोलो बेटा।
सर इसको प्रूव करने का एक क्लू मतलब मुझे अभी मिला है, मैं बताऊं? हाँ बोलो 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 मुझे मेथड पता सर, सर फिगर में हम सर बताऊं? हाँ बोलो बोलो सर फिगर में हम ए एफ और सी डी को ज्वाइन कर देते हैं सर, और फिर हम बी एफ और सी ई को भी ज्वाइन कर देते हैं सर, ऐसा करने से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी एफ इक्वल हो जाएगा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एफ एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी एफ ये भी इक्वल हो जाएंगे सर. इसके बाद फिर हम अपनी दोनों इक्वेशंस को सर डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा बी सी एफ अपॉन ए सी एफ इक्वल्स टू ई सी एफ अपॉन डी सी एफ. सर इसको सिंप्लीफाई करने पाएगा बी सी अपॉन ए सी इक्वल्स ई एफ अपॉन ई डी सर, फिर इससे हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा. ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड. तो मैं अपना प्रूफ बताऊं? हाँ बोलो बेटा. तो मैंने क्या किया, ई को मैंने ए से कनेक्ट किया और ई को सी से कनेक्ट किया. अब सर ट्रायंगल एईसी में जो ए बी ओवर ए सी होगा वो होगा एरिया ए बी ई ओवर एरिया. सही है, तुम्हारा प्रूफ भी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश. देखिए हम कॉन्ग्रुएंसी की तरह, नहीं नहीं कॉन्ग्रुएंसी यूज नहीं होगी, इसका मतलब एरिया यूज होगा. अब देखिए मुझे थोड़ा सा लाइन्स को कनेक्ट करना है, तो मैंने क्या काम करा, देखिए ये लाइन को और इस लाइन को आपस में मैंने कनेक्ट करा, ठीक है. एंड इस लाइन को और इस लाइन को आपस में कनेक्ट कर दिया. अब देखिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बात. अब तो आपको बेसिकली देखिए करना क्या है, आपको निकालना है. सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए ए बी ई और बी सी ई, ये जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं ए बी ई, देखो ये वाला ट्राइंगल ए बी, यस सर इनका एरिया इक्वल है. नहीं नहीं रुक तो जाओ भाई, रुक तो जाओ. ए बी ई और जो बी सी ई है, ये पॉइंट ई से हाइट शेयर कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं दोनों ट्राइंगल? यस सर, यस सर, ठीक है, पॉइंट ई से हाइट शेयर कर रहे हैं ना. तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं क्या काम करता हूँ, देखिए एरिया ऑफ ए बी ई अपॉन एरिया ऑफ बी ई सी का जो रेशियो आने वाला है वो आएगा ए बी अपॉन बी सी. इतनी बात समझ में आ गई? यस सर. अब जब तुम लोगों को इतनी बात समझ में आ गई, तो देखो सिमिलरली मैं क्या बोल सकता हूँ, सिमिलरली मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट बी है, पॉइंट बी से डी ई बी और एफ ई बी ये भी हाइट शेयर कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? यस सर. तो मैं ये भी बोल सकता हूँ ट्राइ एरिया ऑफ बी डी ई, एरिया ऑफ बी डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी ई एफ, बी ई इज इक्वल्स टू डी बाय एफ, बी ई एफ का जो रेशियो होने वाला है बी ई एफ का, वो क्या होगा डी ई बाय ई एफ, डी ई, एक मिनट, डी बाय ई एफ, डी ई बाई ई एफ होगा. ये दोनों बात समझ में आ गई? यस सर. यस सर. अब एक बात नोटिस करो. अच्छा मैंने जो फर्स्ट बात लिखी थी उसको दोबारा लिख देता हूँ मैं, ताकि वो एक ही पेज पे आ जाए. ए बी ई ओवर बी ई सी, ए बी बाय बी सी, ठीक है ना. ओके अब मुझे एक बात बताओ, अब जरा इस वाले जो ट्राइंगल बी ई डी है, देखो ये ट्राइंगल जो है ट्राइंगल बी ई डी, बी ई डी और ट्राइंगल बी ई ए, ट्राइंगल बी ई ए, क्या इन दोनों का एरिया इक्वल है? नहीं है. yes, sir, क्योंकि सेम पैरेलल के बीच है. हाँ क्योंकि इनकी बेस भी कॉमन है और इनकी हाइट भी सेम है. On the same distance in parallel. हाँ, yes, तो ये दो सेम पैरेलल लाइन के बीच में है ना.
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? पॉइंट ए से हाइट ड्रॉ करो, पॉइंट डी से हाइट ड्रॉ करोगे सेम आएगी, ओके? एग्री? यस सर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि एरिया ऑफ बीईडी इक्वल एरिया ऑफ बीईए, मतलब ये हुआ कि ये जो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया इस वाले एरिया के इक्वल हो गया, ये तो मतलब हुआ ना, बताओ। यस सर। इन इन दोनों रेशियो के जो न्यूमरेटर हैं वो इक्वल हैं, ये यही मतलब है ना। अच्छा ये बताओ क्या इन दो रेशियो के डिनोमिनेटर भी इक्वल होंगे? बी यस सर और बी सी ई। यस सर। बी ई एफ, देखो बी ई एफ ये रहा पॉइंट, और बी ई सी, क्या ये दोनों एरिया भी इक्वल है? सेम रीजन से भी इक्वल है? यस सर। सेम बेस और सेम हाइट यूज कर रहे हैं। हां, बी ई एफ इक्वल बी सी ई या बी ई सी, तो इस बात से हमको क्या मिलता है, इस बात से हमको ये मिलता है कि जो रेशियो ऑफ बी डी ई अपॉन बी ई एफ इक्वल होगा रेशियो ऑफ ए बी ई अपॉन बी सी बी सी ई। तो इस बात से क्या मिल गया, इस बात से हमको मिल गया डी ई बाई ई एफ इक्वल ए बी बाय बी सी, ये हमें शो करना था ना। यस सर। यस सर। तो आप लोगों को इस इंटरसेप्ट थ्योरम का प्रूफ समझ में आ गया अच्छे से? यस यस सर। फटाफट से नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करिए, ये वाला पेज हो जाए तो मैं नेक्स्ट पेज पे कर दूंगा। सही हो गया, हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट पेज, सर एक मिनट में कर रहा सर। इंटरसेप्ट थ्योरम के पहले आपने क्यूब वाला क्वेश्चन कराया था ना बस? सर मैं उसके सेकंड पार्ट में डिस्कनेक्ट हो गया था सर, एक बार उसका सेकंड पार्ट का आंसर आपसे पूछना था सर, वो 32 रूट 2 ही था ना? एक मिनट चेक करने दो। चलिए फिर ठीक है, ओके, आज का लेक्चर हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अब हम आपको जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरसेप्ट थ्योरम से स्टार्ट करने वाले हैं। हम इंटरसेप्ट थ्योरम की कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे जहाँ पर हम इंटरसेप्ट थ्योरम को ट्राइंगल में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और फिर हम कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सॉलिड ज्योमेट्री में, सॉलिड ज्योमेट्री में हम थोड़ी देर में आएंगे, हम एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट प्रूफ करेंगे। पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि जो ट्राइंगल की तीन मीडियंस होती हैं वो एक ही पॉइंट पे मीट करती हैं। ओके ओके सर, ये काफी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। ट्राइंगल की तीनों मीडियंस एक पॉइंट पे मीट करती हैं, और जिस पॉइंट पर वो मीट करती हैं उस पॉइंट को सेंट्रोइड बोलते हैं, और हम देखेंगे सेंट्रोइड मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। बाय एवरीवन। बाय एवरीवन।